Hello everyone. Today let us discuss about the upcoming exams. अभी आप कौन-कौन से exams fill कर सकते हैं? बहुत सारे students होते हैं banking SSC के exam के लिए prepare करना शुरू करते हैं and they don't have only a single exam. मतलब ऐसा नहीं होता कि उनके पास केवल SSC CGL के exam है या फिर year में एक SBIP और एक IBPS CWE होता है. उसके अलावा और भी बहुत सारे allied exams होते हैं जिनके लिए student prepare करता है. मतलब उसके पास number of opportunities बहुत-बहुत सारी होती हैं. अगर किसी भी student को prepare करना है. अभी अगर मैं इस करंट सेशन की बात करूं इस पर्टिकुलर मंथ में तो हमारे पास दो पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट देम. हमारा जो पहला एग्जाम होगा दैट विल बी आईबीपीएस क्लरिकल. अभी आईबीपीएस ने आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन उन्होंने अपना क्लरिकल ग्रेड के लिए अभी फॉर्म्स आउट करें. जो पोस्ट है डेट विल बी क्लरिकल एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज दिस ईयर विल बी 7875 वैकेंसीज है. उसके अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं कि फॉर्म कब से भर सकते हैं कब तक भर सकते हैं तो स्टार्टिंग डेट है सबमिशन ऑफ फॉर्म की 12/9/2017 यानी 12 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे एंड द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन विल बी 3 अक्टूबर. तो मतलब अभी ये फॉर्म्स जो हैं वो आपके निकलने शुरू होंगे और 3 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है तब जब तक आप ये जब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम विद अस फॉर्म को फिल करने के लिए. उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जब हम करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट भी इन्हीं पर्टिकुलर डेट्स में होगी मतलब 3/10 तक. उसके बाद आप कॉल लेटर डाउनलोड आपका जो कॉल लेटर है वो आपका नवंबर में आ जाएगा एंड देन यू विल हैव योर एग्जाम इन दिसंबर. और दिसंबर की उन्होंने हमें डेट्स भी दे रखी है 2 and 3 दिसंबर एंड 9 and 10 दिसंबर. ये तो उन्होंने डेट्स अभी आउट करी है. अगर हम बात करें कि इनका रिजल्ट कब आएगा तो दिसंबर में एग्जाम होगा और दिसंबर एंड तक इनका रिजल्ट भी आ जाएगा एंड यू विल हैव योर मेंस एग्जाम ऑन इन जनवरी. मतलब एक महीने के लिए अगर देखा जाए तो प्रोसेस बहुत जल्दी है. मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ इससे जो भी जॉब लगेंगी वो जॉब्स आपकी बाय अप्रैल एंड और मई बिगनिंग आपके लिए आपके हाथ में आपके जॉब होगा. मतलब अगर मुझे सच में बहुत जल्दी जॉब लगवानी है एंड आई एम वेल प्रिपेयर्ड मेरी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन अच्छी है तो आई कैन गेट हियर. 7875 वैकेंसीज हैं. हम इस एग्जाम को क्लियर करके अपनी जॉब जल्दी से जल्दी सिक्योर कर सकते हैं. उसके अलावा और क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी होंगी. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता. अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है तो हमने कुछ बेसिक चीजें जो हमें नोट करनी है. सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट जो होना चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए. कहीं ना कहीं से उसने ग्रेजुएशन पूरी करी होनी चाहिए एंड दैट ग्रेजुएशन शुड बी कम्प्लीट बाय 3/10/2017 मतलब 3 अक्टूबर तक जब उसका एग्जाम है तब तक उसका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए. अगर हम नॉर्मल रेगुलर कोर्सेज की बात करें बीएससी बीकॉम बीबीए इन सब की तो रेगुलर कोर्सेज के जो आपके रिजल्ट होते हैं वो अगस्त तक आ जाते हैं जुलाई अगस्त तक. तो हाँ ऑल दोज स्टूडेंट्स कैन फिल द फॉर्म एल्स चेक कर लीजिएगा कि 3 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए. उसके बाद नेशनलिटी इंडियन स्टूडेंट्स कैन फिल द फॉर्म. और एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी 20 से लेकर 28 ईयर्स है ठीक है. और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी डेट विल बी फ्रॉम 1/9/2017. इसके बाद और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा. जब भी मैं क्लरिकल ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो सिलेक्शन प्रोसेस में मेरे दो एग्जाम्स होंगे. पहला होगा ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपका सेम प्रोसेस पे होगा. ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा डेट विल बी ऑफ 1 आवर और इसके अंदर आपके 3 सेक्शन आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस. कुछ बिल्कुल सेम प्रोसेस है आपका आईबीपीएस पीओ की तरह. उसके बाद यू विल हैव योर मेन एग्जाम प्रिलिम्स एग्जाम जो होगा डेट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली और उसके बाद फिर आपका मेन्स एग्जाम होगा. प्रिलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो मेन्स एग्जाम जो भी होगा मेन्स एग्जाम के जो मार्क्स होंगे डेट विल बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन. ये हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एंड आपका एग्जाम विल बी इन जनवरी 1st में आपका जनवरी 21 को आपका मेन्स एग्जाम होगा एंड यू विल गेट अ जॉब बाय अप्रैल. ओके फीस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट का फॉर्म कितने का पड़ेगा अगर फॉर्म की कॉस्ट कितनी होगी. हम बात करते हैं SC ST या फिर उन स्टूडेंट्स की जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उन सबके लिए फीस होगी आपकी ₹100 एंड फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी आपकी जो फीस होगी डॉक्टर भी ₹600. और एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे अभी एक एग्जाम और निकला हुआ है
दैट इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इस एग्जाम में जो आपकी पोस्ट होगी दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज हियर विल बी 300. केवल 300 वैकेंसीज. द पे ग्रेड दे आर ऑफरिंग इज फार बेटर. इनकी जो पे ग्रेड है, इनका जो पे स्केल है, दैट इज 32,795 से 62,315 तक इनका पे ग्रेड है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस वैकेंसीज. इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं. हाँ, बट यू विल हैव टू हरी बिकॉज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी 15/9, मतलब 15 सितंबर ही इसकी लास्ट डेट है, मतलब अभी कुछ दिन के बाद ही. तो यू विल हैव टू हरी फॉर दिस फॉर्म. और जो आपका डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो इन्होंने दो डेट्स दी हैं. एक है आपकी अक्टूबर में 22nd अक्टूबर, और उसके बाद सीधा आपकी जो डेट आ गई वो नवंबर में, दैट इज 18 नवंबर. ये आपकी दो एग्जाम डेट्स हैं इसके लिए. अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैंने कहा था अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग है. तो इफ यू आर फिलिंग अ जनरल फॉर्म, तो यू मस्ट हैव क्वालिफाइड अ डिग्री. आपनी डिग्री किसी भी उसमें करा हो सकता है. यू मस्ट बी ग्रेजुएट फर्स्ट फॉर जनरलिस्ट. इफ यू आर एन इंजीनियर और आप इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जाते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और आपका 55% to 60% मार्क्स होना चाहिए. इफ यू आर एन SSC कैंडिडेट, तो 55% मार्क्स भी आपको चलेंगे. आपको वहां पे जो एज रिलैक्सेशन, जो आपको परसेंटेज में रिलैक्सेशन होता है, वो 5% का होता है. इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो, तो यू मस्ट बी CA, यू मस्ट हैव क्लियर्ड ICWA. इसके अलावा MBA फाइनेंस, BCOM और MCOM भी चलेगा. फॉर लीगल, यू मस्ट बी ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम सम ऑफ द अदर कॉलेज, बट दैट शुड बी कंप्लीटेड. उसके बाद अगर आप मेडिकल ऑफिसर के लिए फिल कर रहे हो, तो आपका MBBS कंप्लीट होना चाहिए. हम बात करते हैं एज लिमिट की. मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट जो है उनकी, वो है 21 to 30 years. और यहाँ पे जो डेट काउंट होगी, दैट विल बी फ्रॉम October 1st, कि मतलब आपका October 1st से आपकी 21 होनी चाहिए. October 1st 2019 से डेट काउंट होगी. इधर 21 years to 30 years, उससे ज्यादा कम नहीं. अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलता है. साइज एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको आपको SSC के लिए, मतलब जो आपकी एज होगी वो 35 years तक आप फिल कर सकते हो. इफ यू आर एन SSC OBC हो तो 3 years, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 years का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इनका? इनका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल बैंकिंग वाला है. बस वहां पे आपके दो एग्जाम होते थे, यहाँ पे आपका एक ही एग्जाम होगा. ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन एक ही एग्जाम होगा, दैट विल बी ऑफ 200 marks, और उसके अंदर 4 sections होंगे. इसके बाद उस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे, देन यू विल हैव योर इंटरव्यू. और वेटेज जाता है यहाँ पे, वो 80:20 का जाता है, मतलब 80 marks आपके ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन के और 20 मार्क्स इंटरव्यू के. अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें कि हमारे इस पूरे प्रोसेस में एप्लीकेशन फीस कितना जाएगा, तो एप्लीकेशन फीस जो होगा हमारा, दैट विल बी ₹50 फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, और जनरल और OBC के लिए आपकी जो फीस होगी दैट विल बी ₹600. ये भी दो एग्जाम हमारे करेंटली निकले हुए, जिनके लिए वी कैन प्रिपेयर. अभी इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ ओनली. और उसके अलावा अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस. हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए यू कैन सिंपली स्टे ट्यून्ड विद अस. हमारा चैनल सब्सक्राइब आपने किया होगा, जो हमारा फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो हमारे पेज हैं उनको आपने सब्सक्राइब किया होगा. वहां पे जाके आप हमें या तो डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट लिख के आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं. कोई भी आपको डाउट आता है कि फॉर्म फिलिंग में अगर आपको इश्यूज आते हैं या फिर कुछ भी, तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट करके. इसके अलावा अगर इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है एंड यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, या फिर आपको पूरा क्विक रिविजन करना है, तो यू कैन परचेज अवर पेन ड्राइव. और पेन ड्राइव कोर्स, अब हमारा फुल लेंथ पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है अमेजोन पे, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं. उसके अंदर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, तो यू कैन परचेज इट थ्रू अमेजोन, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी उसे परचेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.